दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप ऑनलाइन लोन लेना चाहते हैं बिना किसी कंपनी से, डायरेक्ट बैंक से और बिना किसी दलाल के, बिना कोई भी बैंक जाए, ऑनलाइन आप 5 मिनट में लोन ले सकते हैं। जी हाँ, आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं, 1,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कैसे लोन मिलेगा, 5 मिनट में आपको लोन मिलेगा बिना किसी एजेंट का, बिना कोई कंपनी, डायरेक्ट बैंक से, भारतीय स्टेट बैंक से आपको लोन मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको लोन मिलेगा, SBI से। उसके लिए आपको SBI में करेंट या सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे पूरी विस्तार में किस तरह आप घर बैठे 5 मिनट में लोन ले सकते हैं 1,000 से लेकर 1 लाख तक का, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, कैसे अप्लाई करते हैं, और आपको लाइव दिखाएंगे किस तरह लोन लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SBI की इस वेबसाइट का लिंक दे चुका हूं, जहां से आप SBI की इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं। तो इस वेबसाइट पे आपको आ जाना होगा जहां से आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। इस वेबसाइट पर आएंगे, यहां पर मिलेगा एक ऑप्शन SBI लोन, SBI लोन पर क्लिक करेंगे, यहां पर ऑप्शन मिलेगा ई मुद्रा, तो ई मुद्रा पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे भी ई मुद्रा आप क्लिक करें कुछ इस तरह, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड फॉर ई मुद्रा और प्रोसीड फॉर विदी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर ई मुद्रा पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में आपको जानकारी दिए गए और अंग्रेजी में भी, यहाँ पे इंग्लिश में जानकारी दिए गए, जिसमें भी आप जानकारी चाहिए पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मेन बता दूँ, ये लघु माइक्रो उद्यम होना चाहिए, इसके लिए आपको एक बिजनेस होना चाहिए इस लोन को लेने के लिए, और साथ साथ इसके लिए आपके SBI बैंक अकाउंट जो है वो कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए, सेविंग या करंट कोई भी अकाउंट 6 महीना पुराना होना चाहिए। ये पहला हो गया आपको बिजनेस होना चाहिए कोई, और दूसरा कंडीशन कि 6 महीना कम से कम आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए, और तीसरा जो यहाँ पे कंडीशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, जो कि 5 वर्षों के लिए वैध रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बैंक के पात्रता मापदंडों के अनुसार 50,000 तक ऋण की तुरंत उपलब्धता, यानी कि अगर 1,000 से लेकर 50,000 तक का लोन लेंगे तो आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। अगर आप 50,000 से 1 लाख के तक लेते हैं तो इसके लिए आपको ग्राहक को डॉक्यूमेंट ब्रांच में सबमिट करना होगा। अगर डॉक्यूमेंट ब्रांच में सबमिट करेंगे तो वहाँ पे जानते हैं बहुत लफड़ा लगता है ब्रांच में, ये डॉक्यूमेंट रहे, ये नहीं है, ये इतना रुपया दो। इसकी वजह से आप यहाँ पे 50,000 से 1 लाख के बीच में अगर लेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक जाना होगा। अगर आप 1,000 से 50,000 तक के बीच में लेंगे तो आपको कहीं भी नहीं जाना होगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला वो आपको यहाँ पे दिया गया है। एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब बिजनेस का कोई प्रूफ होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया गया है। तो चलिए, और यहाँ पर पूरी चीज़ यहाँ पर भी बताया गया कि 50,000 से 1 लाख लोन दिया जाएगा। अगर 50,000 से ज़्यादा लेंगे, 50,000 से 1 लाख तक ऋण के लिए आवेदन उस शाखा में जाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के संबंधित, मतलब कि यहाँ भी बताया गया 50,000 से 1 लाख के बीच मिलेंगे तो आपको दस्तावेज डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करके अपने ब्रांच में जमा करना होगा, और यहाँ पे आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिससे KYC OTP के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ओके बटन भी क्लिक करेंगे। जैसे ओके बटन क्लिक करेंगे यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, जो भी हमारे अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे हम इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कह रहा है कि आप अपने आधार कार्ड की डिटेल आप बैंक के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना आधार कार्ड की 12 अंक का जो आधार नंबर है वो नंबर यहाँ पे इस बॉक्स में इंटर करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर उस पर OTP भेज दिया गया है, उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर OTP आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे रिसेंट पे क्लिक करके नया OTP मंगवा सकते हैं। तो चलिए OTP आ चुका, उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पर इस बॉक्स में इंटर करते हैं OTP को। OTP देने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट का अकाउंट नंबर देंगे, जो भी आपका खाता नंबर वो देंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे अकाउंट नंबर देते हैं। अकाउंट नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा लोन की कितनी रिक्वायरमेंट है, या आप 1,000 से लेकर 1 लाख तक का ले सकते हैं। अगर आप 1,000 से लेकर 50,000 के बीच में लेंगे तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ना ही कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, ऑनलाइन ही मिल जाएगा। अगर आप 50,000 से 1 लाख के बीच में लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट अपने ब्रांच में सबमिट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं 50,000 करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे आपके अकाउंट के साथ अगर पैन कार्ड लिंक रहेगा तो आपको इस
ये वाला सेंटर पेज दिखने को मिलेगा। अगर आपका पैन आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं रहेगा तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं शो करेगा। इसके लिए आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड आप दोनों आपका ब्रांच में आपके अकाउंट में लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो वो बता देगा लिंक नहीं है, अपने होम ब्रांच से जाके लिंक करवाएं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तभी वो बताएगा लिंक कराएं। अगर लिंक क्या होगा पहले से तो ये सेंटर फंसेगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको बता देगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो मैं एलिजिबल हूँ तो और मेरा पैन कार्ड भी यहाँ पे लिंक है तो पैन कार्ड की नंबर ऑटोमेटिक आ चुकी है, यहाँ पे बैंक अकाउंट से ले लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका क्वालिफिकेशन क्या, क्वालिफिकेशन कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप इंटरमीडिएट से मोर कर सकते हैं, इंटरमीडिएट से भी आगे, ठीक है, हाई स्कूल। तो उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा हाउस ओनरशिप, हाउस जो जहाँ पे रह रहे हैं वो आपका खुद का है या पेरेंट का है या रेंटल है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए सेल्फ को सेलेक्ट करते। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपका मंथली इनकम क्या है, ठीक है, जो भी आपका मंथली इनकम वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर इन दी फैमिली, कितने मेंबर आपके फैमिली में आप पे डिपेंड है, ठीक है, वो सब देंगे। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल देना होगा, आपकी कैटेगरी आप किस जाति से आते हैं वो अपना यहाँ पे देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इस्लाम की जनरल से आता हूँ, इस्लाम जनरल को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ माइनॉरिटी यस ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बाद यहाँ बिजनेस डिटेल मांगेंगे, बिजनेस का नाम आपका जो बिजनेस का नाम है दुकान का नाम वो देंगे, बिजनेस कब स्टार्ट किए वो देंगे, ये डिटेल देंगे, बिजनेस का नाम, दुकान का नाम, बिजनेस स्टार्ट डेट और बिजनेस का ट्राइड मतलब बिजनेस का करने का अनुभव एक्सपीरियंस आपको कितने दिन का है, मोर देन 3 ईयर मतलब 3 ईयर से ज़्यादा या मोर देन 1 साल से 3 ईयर के साल के बीच में या अदर 1 साल से कम है तो लेस देन 1 ईयर करेंगे, ठीक है, अन्यथा आप लेस देन 1 ईयर 2 3 ईयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बिजनेस का पूरा एड्रेस देंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड देंगे, जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा पिन कोड देंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह ले लेगा और जो एड्रेस कॉलम बचता है वो आपको यहाँ फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस में आपको बिजनेस सेलेक्ट करना, आपको किस टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चर है या किसी चीज़ को बनाते या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे मैं सर्विस को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ योर एक्टिविटी, आपकी शॉप में आपके बिजनेस में क्या एक्टिविटी है, क्या काम करते हैं, वो डिटेल यहाँ पे आपको देंगे। जैसे मेरा ऑनलाइन है साइबर कैफ है, तो यहाँ पे मैं फोटो स्टेट और फोटो और ऑनलाइन सर्विसेज साइबर कैफ के रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटी लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपका बिजनेस जो वो खुद का है या रेंट पे, यहाँ जगह वो खुद का है या रेंट पे, यहाँ खुद का है मेरा तो ऑनर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ भी कह रहा है आपका जो बिजनेस है वो GST से या पंचायत ग्राम पंचायत से या उद्योग आधार से रजिस्टर्ड है, तो यस या नो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। आपके पास अगर बिजनेस का GST या उद्योग आधार वगैरह है तो आप यस करेंगे और डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो यहाँ फिलहाल मैं नो करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो लास्ट 12 महीने में अंतिम मतलब कि मंथली कितने का बिक्री हुआ वो आप मंथली कितने का बिक्री हुआ वो देंगे, यहाँ पे मंथली कितने का बिक्री होता वो देंगे। उसके बाद उसमें कितना आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो देंगे, यहाँ पे कितने के अकाउंट से आप लेन देन किए हैं बिजनेस में वो देंगे। उसके बाद आपके अकाउंट नंबर किस ब्रांच का है वो सारा डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस अकाउंट नंबर को आप यहाँ पे चेंज दिए अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा, जब सबमिट हो जाएगा तो कस्टमर केयर के द्वारा आपको कॉल आएगा, 5 से 10 मिनट में कॉल आ जाएगा और वहाँ से आपसे पूछा जाएगा आप क्या बिजनेस करते हैं और लोन किस लिए ले रहे हैं, वो सारे चीज़ आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो लोन होगा लोन अमाउंट वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है 5 से 10 मिनट में। तो माने तो 20 मिनट से 30 मिनट यानी कि आधा घंटा के अंदर आपका ये लोन आपके अकाउंट में आ जाता है। ये एक लीगल तरीका और ये 100% लोन देता है और मैंने लोन लिया भी हूँ स्टेट बैंक से इसके मदद से। तो आप भी 1000 से लेकर 50000 तक का बिना कहीं जाए लोन ले सकते हैं। तो यही प्रोसेस आपको करना होगा, यही प्रक्रिया से गुजरना होगा, तब आप एक लोन ले सकते हैं बिना किसी कंपनी से, डायरेक्ट बैंक से, बिना किसी एजेंट के। तो मिलते हैं इसी नॉलेजफुल जानकारी के साथ फिर एक नई वीडियो में। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पहली बार आ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुँच सके, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन की भी गारंटी बजे।